गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो बेटा, कैसे हैं आप लोग? आई होप इस पैंडेमिक सिचुएशन में सभी लोग अच्छे से अपना अपना काम कर रहे होंगे, क्योंकि पूरा टाइम है आपको अपने घर पे रह के सारे काम को कंप्लीट करने का। डैट मीन्स की 11 के कुछ पार्ट को रिवीजन करने का और करेंट लेसन को आगे प्रोसीड करने का। ओके, चलिए। कल हम लोगों ने कंप्लीट पॉलन ग्रेन्स के बारे में पूरा कंप्लीट कर लिया था, उस पोर्शन को, यानी जो मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट है वहाँ तक के रीजन को पूरा कंप्लीट देख लिया था। तो डेवलपमेंट ऑफ एस्टामेन, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने पूरी बातों को कंप्लीट कर ली थी। यानी इस लेसन का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद में अब नेक्स्ट पार्ट जो है इस लेसन का, तो वह है मेगा एस्पोरेंजियम के बारे में, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे गाइनोसियम कहते हैं। तो आइए यहां पर हम लोग अब हेडिंग देंगे गाइनोसियम। गाइनोसियम का मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, गाइनोसियम का जो यूनिट होता है वो आपको पता है, वो क्या है? एस्टामिन। गाइनोसियम का यूनिट, ओ सॉरी, एस्टामिन नहीं, कार्पेल और पिस्टिल। गाइनोसियम का यूनिट कार्पेल और पिस्टिल है। अब आइए गाइनोसियम की जब हम लोग बात करते हैं, तो गाइनोसियम में या तो बेटा एक पिस्टिल या कार्पेल हो सकता है, या मोर देन वन और टू कार्पेल और पिस्टिल हो सकते हैं। ओके, तो जब हम बात करते हैं गाइनोसियम की, तो गाइनोसियम दो तरह से होता है। एक होता है मोनोकार्पेलरी और दूसरा मल्टी कार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी एंड मल्टी कार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी का मतलब सिंगल कार्पेल एंड मल्टी कार्पेलरी का मतलब मोर देन वन कार्पेल। तो मोर देन वन कार्पेल यानी कि क्या क्या हो सकता है? तो बाई कार्पेलरी, ट्राई कार्पेलरी या मोर देन थ्री, तो इसी को ये मल्टी कंप्लीट कहला जाएगा, मल्टी कार्पेलरी। ओके, तो मल्टी कार्पेलरी में बाई, ट्राई, मल्टी, मतलब दो तीन से भी ज़्यादा हो गया तब उसको कितना काउंट करेंगे? तो हम लोग डायरेक्ट उसको मल्टी कह देंगे। अगर दो तक काउंट हो रहा है तो बाई, तीन तक काउंट हो रहा है तो ट्राई। ओके, तो मोनोकार्पेलरी ये इस तरह से, तो मोनोकार्पेलरी का एग्जाम्पल है मिराबिलिस, ठीक है, और मिराबिलिस, रैननकुलस, ठीक है। अब आइए मल्टी कार्पेलरी। पहले ही बता चुके हैं कि मल्टी कार्पेलरी का मतलब मोर देन वन कार्पेल इन ए गाइनोसियम। वैसे भी गाइनोसियम का एक सिंगल यूनिट जो होता है वो कार्पेल या पिस्टिल बोलते हैं उसको, और जब एक गाइनोसियम या तो सिंगल होगा या फिर एक से ज़्यादा होंगे, तो डैट इज द मल्टी कार्पेलरी। मल्टी कार्पेलरी की जब बात करते हैं तो इसमें एग्जाम्पल जो होता है वह हिबिस्कस है, पेपेवर है, ये सब कुछ एग्जाम्पल आते हैं। ओके, हिबिस्कस, पेपेवर, तो इसके एग्जाम्पल हैं इसका माइकेलिस, मिराबिलिस से ज़्यादा अच्छा माइकेलिस। अब मल्टी कार्पेलरी भी जो होते हैं बेटा वो टू टाइप के होते हैं। एक होता है एपोकार्पस और दूसरा होता है सीन कार्पस।
एपोकार्पस एंड सिनकार्पस, एपोकार्पस का मतलब कार्पेलार फ्री और सिनकार्पस का मतलब कार्पेलार फ्यूज्ड। एपोकार्पस कार्पेलार फ्री एंड कार्पेलार फ्यूज, ये दो अलग अलग हैं। अब आइए यहां तक की जब बातें देख लिए, अब आइए हेडिंग देंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल। स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल, एक कार्पेल में या पिस्टिल में तीन पार्ट होते हैं। कार्पेल हैज थ्री पार्ट्स, वन इज स्टिग्मा, सेकेंड स्टाइल एंड थर्ड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीन पार्ट हैं किसके, एक कार्पेल के। कार्पेल हैज थ्री पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब अगर हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाएं, ये जो पार्ट हुआ दिस इज द स्टिग्मा, ये पार्ट हुआ स्टाइल एंड ये जो पार्ट हुआ वह है ओवेरी। ये जो पार्ट हुआ वह थैलमस, एक फ्लावर का पार्ट है। तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, ये प्लांट के तीन पार्ट हैं बेटा। अब चलते हैं, यहाँ तक की बातें हो गई, अब एक स्टिग्मा की बात करते हैं। तो स्टिग्मा जो है वह प्रॉक्सिमल पार्ट है, इंड पार्ट है, ठीक है, किसका, तो पिस्टिल का, ठीक है। अब आइए तो एस्टिग्मा जो है, एस्टिग्मा इज द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ कार्पेल एंड इट इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन सबसे पहले कहां आकर के लैंड करता है, तो एस्टिग्मा के ऊपर ही आता है। It is in tip part of carpel and it is landing platform, it is in टीप पार्ट ऑफ कार्पेल एंड इट इज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलेन ग्रेन। यानी पॉलिनेशन के लिए जो पॉलेन ग्रेन होगा वह पॉलेन ग्रेन सबसे पहले आकर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इट इज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलेन ग्रेन। सेकेंड आइए स्टाइल। स्टाइल जो है, इट इज नैरो लॉन्ग हॉलो स्टॉल्क। बिटवीन एस्टिग्मा एंड ओवेरी। तो किसके किसके बीच में, तो ओवेरी और एस्टिग्मा के बीच में एक लॉन्ग नैरो हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। ये हॉलो होता है, बीच में खाली होगा, इसीलिए यहाँ पर ये दिखाया है, ये सॉलिड नहीं होगा कंप्लीट, ये हॉलो स्ट्रक्चर है। तो
तो दिस इज द स्टाइल, और ऊपर का ये रीजन जहाँ पे पॉलन ग्रेन सबसे पहले आके लैंड करता है, डैट इज द स्टिग्मा, और ये एक बल्ज रीजन है जिसे हम लोग कहते हैं ओवेरी। अब आइए ओवेरी, तो ओवेरी इज ए बल्ज रीजन या बेसल पार्ट ऑफ इज बल्ज और बेसल पार्ट ऑफ कार्पेल, बेसल पार्ट ऑफ कार्पेल, ओवेरी इज बल्ज और बेसल पार्ट ऑफ कार्पेल, बेसल पार्ट ऑफ कार्पेल, ओवेरी इज बल्ज और बेसल पार्ट ऑफ कार्पेल, इनसाइड द ओवेरी हैज ओवेरियन कैविटी। तो ओवेरियन कैविटी होता है इसके अंदर, किसके अंदर भाई, तो ओवेरी के अंदर, और इसी ओवेरियन कैविटी के अंदर एक पेरेंट काइमेटस कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं हम लोग प्लासेंटा। ए पेरेंट काइमेटस कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ओवेरियन कैविटी कॉल्ड प्लासेंटा। अब मॉर्फोलॉजी अगर आपको याद होगा तो मॉर्फोलॉजी में आपको आया होगा कि प्लासेंटा के अरेंजमेंट के बेसिस पर अलग अलग प्लासेंटल अरेंजमेंट जैसे मार्जिनल, एक्साइल, सब मार्जिनल, तो ये सब प्लासेंटा का वहाँ पर था रोल। तो प्लासेंटा समझ लीजिए कि ओवेरी, ओवेरी के अंदर एक कैविटी, कैविटी का मतलब खाली स्पेस, और उसके अंदर में एक पेरेंट काइमेटस कुशन लाइक, कुशन क्या होता है, जब सोफा वगैरह पे बैठते हैं तो एक गद्देदार कुछ कुशन होते हैं जो हमें यहाँ पीछे की ओर कंफर्टेबली जो है बैठने में मदद करते हैं। तो कुशन का मतलब वो ओव्यूल, ओवेरी के अंदर होता है ओव्यूल, और उस ओव्यूल को कुशन लाइक स्ट्रक्चर यानी उससे ओव्यूल को प्रोटेक्ट करता है, तो डैट इज कॉल्ड क्या है वो, तो प्लासेंटा है। तो अपेरेंट काइमेटस कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ओवेरियन कैविटी कॉल्ड प्लासेंटा, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको कहते हैं प्लासेंटा। अब आइए नेक्स्ट, उसको जब प्लासेंटा कहते हैं, प्लासेंटा ही अराइज करता है ओव्यूल्स को। अब ओव्यूल्स आर अराइजेज फ्रॉम द प्लासेंटा, ओवेरी के अंदर ओव्यूल्स हैं, अब लिखेंगे ओव्यूल्स आर अराइजेज फ्रॉम प्लासेंटा which is also called mega esporangium। अब उसको जैसे वहां पर आया था माइक्रो एस्पोरेंजियम, यहां पर ये हो गया मेगा एस्पोरेंजियम, कौन, ओव्यूल्स, और गाइनोसियम, यहां पर गाइनोसियम, गाइनोसियम के अंदर क्या है, कार्पेलिया पिस्टिल, तो इसको कहते हैं कार्पेलिया पिस्टी को मेगा एस्पोरोफिल, जैसे वहां पर स्टामिन को माइक्रो एस्पोरोफिल, तो यहां पर कार्पेल या पिस्टिल को मेगा एस्पोरोफिल कहते हैं। अब इसको ऑल्सो कॉल्ड मेगा एस्पोरेंजियम। अब ये जो कुछ प्लांट में जो मेगा एस्पोरेंजियम है यानी ओव्यूल्स हैं, सिंगल इन नंबर हो सकते हैं, और कुछ प्लांट में एक से ज्यादा ओव्यूल्स हो सकते हैं, इन सम प्लांट हैज सिंगल ओव्यूल्स इन ओवेरी
तो सिंगल ओवुलिन एवेरी जैसे पैडी, वीट, मैंगो, ये एग्जांपल आपका सिर्फ एनसीईआरटी का लिख रहा हूं। एंड सम प्लांट हैज मोर देन वन ओव्यूल्स, एग्जाम्पल वाटरमेलन, वाटरमेलन, उसके बाद वाटरमेलन हो गया, ऑर्चिड, कोई भी ऐसा प्लांट याद रखिए जिसमें एक फ्रूट के अंदर में एक से ज्यादा अगर सीड बन रहे हैं, डैट इज द मल्टी ओव्यूल्स है, और एक से कम सीड है, सिंगल सीड, जैसे मैंगो में देखिए एक ही सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो डैट इज द सिंगल ओव्यूल वाला है। तो यहाँ पर वाटरमेलन, ऑर्चिड, मस्कमेलन, ये कोई भी प्लांट का नाम कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी का एग्जांपल हमेशा याद रखिए, तो उसमें वाटरमेलन है, ऑर्चिड है, एक और कोई प्लांट है ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसका भी एग्जांपल आप कर सकते हैं। अब आइए, तो अभी तक क्या है, अभी तक फिर से उसी तरह सिक्वेंस से हम लोगों को चलना है जिस तरह से सिक्वेंस में हम लोगों ने पॉलन ग्रेन के लिए चले थे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या भाई, तो गाइनोसियम, गाइनोसियम में कार्पेल, कार्पेल के तीन पार्ट, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी, और ओवेरी के अंदर प्लासेंटा, प्लासेंटा के अंदर में ओव्यूल्स। अब आ गया बात ओव्यूल्स तक। अब किसी प्लांट में सिंगल ओव्यूल्स होते हैं, किसी प्लांट में एक से ज्यादा ओव्यूल्स होते हैं। अब हेडिंग देंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स। अब हेडिंग देंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ, जब हम लोग ओव्यूल्स में आते हैं तो एक स्ट्रक्चर हम लोग पहले बना लेंगे, ये एक ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर यहां पर दिख रहा है।
ठीक है, देखिए दिस इज द हाइलम एंड फ्यूनिकल आउटर इंटी गुमेंट्स इनर इंटीगुमेंट्स न्यूसेलस न्यूसेलस एंड एम्ब्रियो सैक माइक्रोपाइल पोल चला जा पोल, ये सब पार्ट हैं, स्ट्रक्चर हैं एक ओव्यूल्स के। समझ रहे हैं बात को? ओव्यूल्स की जब हम लोग बात करते हैं तो इस तरह से एक ओव्यूल्स में इतने सारे स्ट्रक्चर हम लोगों को देखना है। हाइलम, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइलर पोल, दो तरह के दो लेयर प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं, इंटीगुमेंट्स और एम्ब्रियो सैक, न्यूसेलस और चलाजा पोल। अब इनका अगर हम लोग दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स और फिर इसमें अगर हम लोग देखें, अब इसमें स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स हैं तो ये डायग्राम हुआ ओव्यूल्स का। अब इसमें कुछ बातों को लिखते चलें तो हम जानते हैं कि ओव्यूल्स आर अराइजेज फ्रॉम द प्लासेंटा एंड विच इज सराउंडेड बाय द प्लासेंटा। और प्लासेंटा क्या है? प्लासेंटा इज द पेरेन्काइमेटस कुशन लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक। अब इसमें जो अभी हम लोगों ने लिखा था ये बात हो चुकी है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम या इसी को कहते हैं हम लोग ओव्यूल्स अराइजेज फ्रॉम प्लासेंटा, ठीक। अब फ्यूनिकल यानी कि द स्मॉल ओव्यूल्स आर फ्यूज विथ द प्लासेंटा बाय मीन्स ऑफ ए स्टॉल्क। ओव्यूल्स जो एक स्मॉल सा स्ट्रक्चर है, वह स्मॉल स्ट्रक्चर फ्यूज होता है प्लासेंटा के साथ और किस तरह से एक स्टॉल्क के रूप में, और उसी पार्ट को हम लोग कहते हैं फ्यूनिकल। ए स्मॉल ओव्यूल आर फ्यूज विथ प्लासेंटा बाय मीन्स ऑफ ए स्टॉल्क स्टॉल्क दैट रीजन इज कॉल्ड इज कॉल्ड फ्यूनिकल। उस रीजन को क्या कहते हैं? फ्यूनिकल कहते हैं। अब हाइलम किसको कहते हैं? फ्यूनिकल के पास में हाइलम है। हाइलम कहते हैं हम लोग कि जो ओव्यूल्स यानी कि ओव्यूल्स और फ्यूनिकल जहां पे ज्वाइंट होते हैं उस पार्ट का नाम है हाइलम। तो हाइलम इज द रीजन या कनेक्शन बिटवीन दी, हाइलम इज द पार्ट वेयर या हाइलम इज द कनेक्शन बिटवीन दी फ्यूनिकल एंड ओव्यूल्स। तो जहां पे ये दोनों फ्यूज होते हैं वो उस पार्टिकुलर रीजन का नाम है हाइलम। तो हाइलम इज द रीजन
वेयर फ्यूनिकल एंड ऑव्यूल्स आर फ्यूज्ड, दैट इज इट इज that is it is connection between it is the connection between the connection between that is it is connection between the connection between the funicle or it is connection between the funicle or ovules. तो ये hilum जो है वो उन दोनों के बीच का connection between है. अब आइए फिर हम लोग बात करते हैं funicle की. तो funicle क्या है, funicle हो गया, integuments की बात करते हैं. तो integuments क्या है, तो वन और टू प्रोटेक्टिव लेयर, एक या एक से ज़्यादा प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं किसके ऊपर, ये क्या है बेटा, तो इंटीगुमेंट्स. तो हम कह रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, ऑव्यूल्स आर सराउंडेड बाय वन और मोर प्रोटेक्टिव एनवेलप protective envelope or layer called integuments. Outer integuments, which is outer integuments and inner integuments, outer integuments and inner integuments. ठीक है, outer integuments and inner integuments. Next, which is outer integuments and inner integuments. अब आप यहाँ पर देखो, ये जो integuments है, कुछ region ऐसे हैं जहाँ पर integuments absent है, यानी यह protective layer जो है यहाँ पर नहीं है. तो जहाँ ये direct region क्या है, nucellus का है, ये direct region nucellus है. ठीक है, तो जिस region पे integuments नहीं है, except region है यानी वहाँ पे absent है, that region is called micropyle. Some region of nucellus integuments is absent
माइक्रोपाइल। तो जहां पर नहीं है उसी रीजन को कहते हैं माइक्रोपाइल। अपोजिट टू माइक्रोपाइल कॉल्ड चलाजा पोल। तो उस रीजन को क्या कहते हैं? चलाजा पोल कहते हैं। अपोजिट टू माइक्रोपाइल कॉल्ड चलाजा पोल। नेक्स्ट आइए, अब यहां पर लास्ट एक बचा न्यूसेलस। न्यूसेलस बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से वहां पर एस्पोरोजिनस टिश्यू बच रहे थे। और एस्पोरोजिनस टिश्यू, याद कीजिए पॉलिन ग्रेन को, तो एस्पोरोजिनस टिश्यू ही बेटा कन्वर्ट हो रहा था पॉलिन मदर सेल में और वो बन रहा था पॉलिन ग्रेन मियोसिस करके। उसी तरह ये जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस के सेल ही वह कन्वर्ट होते हैं मेगा स्पोर मदर सेल में और मेगा स्पोर मदर सेल से फाइनली बनता है एम्ब्रियो सैक। ठीक है, और एम्ब्रियो सैक जो है वह एक फीमेल गैमेटोफाइट है, जैसे वहां पर पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट था। तो यहां पर पैरेन्काइमेटस सेल स्ट्रिप्स प्रेजेंट इन ओव्यूल इनसाइड इंटीगुमेंट्स कॉल्ड न्यूसेलस। उसको क्या कहते हैं? न्यूसेलस कहते हैं। ओके, कॉल्ड न्यूसेलस। इंटीगुमेंट्स कॉल्ड न्यूसेलस। नेक्स्ट आइए, इनसाइड इंटीगुमेंट्स कॉल्ड न्यूसेलस। यहां तक के ये जो स्ट्रक्चर बेटा दिख रहे हैं इसके रिलेटेड सारी बातें हम लोगों ने कर लिया। अब न्यूसेलस ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पर मियोसिस हो करके और फाइनली क्या बनेगा, तो मियोसिस होने के बाद में वहां से मेगा स्पोर में कन्वर्ट होकर के एम्ब्रियो सैक बना देगा। चलिए, अब जो ओव्यूल्स होते हैं, कुछ प्लांट में अलग अलग तरह के ओव्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं, तो उसी के बेसिस पर, तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ माइक्रोपाइल हाइलम एंड चलाजा, इनके बेसिस पर ये जो ओव्यूल्स हैं वह सिक्स टाइप्स के होते हैं। हेडिंग देंगे हम लोग टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोपाइल हाइलम एंड चलाजा, ओव्यूल्स आर थ्री टाइप्स। ओव्यूल्स जो हैं बेटा वो सिक्स टाइप्स के हैं। ठीक है, ओ सॉरी, थ्री लिखा गया है, सिक्स टाइप्स। ओके, अब आइए, अब इसको याद करने के लिए एक थोड़ा सा छोटा सा ये बना लेते हैं ताकि थोड़ा आसानी से याद रहे। तो वो सिक्स टाइप्स के हैं, उसके लिए हम लोगों ने कर दिया ओ आ मत करो काकी। बुढ़ापे में लोगों को उठने बैठने में तकलीफ होती है, तो उसी के बेसिस पे कर दिए
ओ आ मत करो काकी, ठीक है, या ओ आ काकी, इससे भी काम चला सकते हैं। तो ओ से फर्स्ट में ऑर्थो ट्रोपस, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं ए ट्रोपस और अपराइट अपराइट ओव्यूल, ठीक। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें माइक्रोपाइल चला जा और ये जो रीजन है हाइलम, सब एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग अपराइट ओव्यूल, ओके। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अपराइट ओव्यूल। थोड़ी देर के बाद कॉल करो ना, थोड़ी देर के बाद कॉल करो ना, ठीक है। तो दिस इज द अपराइट ओव्यूल। तो इन छह जो सिक्स टाइप्स के ओव्यूल हैं, इन सभी को हम लोग वन बाय वन करके इनका स्ट्रक्चर देखेंगे और सबका नाम है उसके बेसिस पर इनको हम लोग लेके चलेंगे। बस थोड़ा सा मैं इंक अपने, ये हमारा गन है, गन में गोली थोड़ी ख़त्म हो जा रही है तो उसको लोड करना पड़ेगा ना, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा, ओके। इसमें क्या होता है, माइक्रोपाइल हाइलम एंड चलाजा, माइक्रोपाइल हाइलम चलाजा लाई इन दी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और इसका एग्जांपल जो है वह है बेटल पॉलीगेनम, बेटल पॉलीगेनम, पाइपर सेकेंड नंबर ओ के बाद एच, हेमी एनाट्रोपस या हेमीट्रोपस, हेमीट्रोपस। तो हेमीट्रोपस में क्या होता है कि 90 डिग्री एंगल पे बेंड कर जाते हैं, जो ओव्यूल्स हैं वो 90 डिग्री एंगल्स पे बेंड कर जाएंगे। डायग्राम हमारा ये उड़ जाएगा तो जिससे दिक्कत हो जाएगी। इसका एग्जांपल है, ओके पहले लिख देता हूँ, बॉडी ऑफ ओव्यूल्स बेंट ऑन फ्यूनिकल एट 90 डिग्री एंगल, और इसका एग्जांपल है रेनन्कुलस प्राइमुलेसी रेनन्कुलस प्राइमुलेसी, फिर उसके बाद में थर्ड आइए ओ एच, फिर ए एनाट्रोपस। तो बॉडी ऑफ ओव्यूल टर्न 180 डिग्री ऑन फ्यूनिकल, इसका एग्जांपल है सोलानेसी माल्वेसी,
सोलानेसी, मालवेसी, पी ग्राम यानी चना जो घर में यूज करते हैं हम लोग, कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी हो गया। आइए नेक्स्ट है, तो ओ से हो गया, एच हो गया, ए हो गया, ठीक है। अब ए के और बचा तो हेम एनाट्रोपस और तीसरा फोर्थ है एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस, एम्फीट्रोपस का एग्जाम्पल है मिराबिलिस, लेमन और पॉपी और अलिज्मा। हाँ ठीक है, बॉडी एंड एम्ब्रियो सैक कर्व। लेमन, अलिज्मा, पॉपी, मिराबिलिस, मिराबिलिस उसके बाद में है। इसमें बॉडी एंड एम्ब्रियो सैक कर्व्ड एम्फीट्रोपस में, जबकि यहां पर नेक्स्ट है कैमाइलोट्रोपस। तो इसमें सिर्फ बॉडी जो होगा वो कर्व होगा, एम्ब्रियो सैक कर्व नहीं होगा, तो उसी को कहते हैं हम लोग कैमाइलोट्रोपस। कैमाइलोट्रोपस का लेगुमिनोसी एंड कैप्सुला प्लांट है, ओनली बॉडी कर्व। एग्जाम्पल लेगुमिनोसी, अभी यहां पर हम लोग लेगुमिनेसी एग्जाम्पल दिए थे, किसमें बीटल पाइपर हो गया, रेनन्कुलस और प्राइमुलेसी हो गया, सोलानेसी, मालवेसी, पीग्राम। ओके लेगुमिनेसी तो अब देना है। लेगुमिनस प्लांट और एक्सेप्ट किसको छोड़ के, तो यहां पर पी और ग्राम पहले दे दिए, तो इसमें पी और ग्राम जो हैं तो लेगुमिनस प्लांट, लेकिन उसमें ये चीज़ नहीं आता है। एंड एक कैप्सुला प्लांट होता है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैप्सुला से, तो कैप्सुला में भी इस तरह का होता है। अब नेक्स्ट है लास्ट, तो वो है सर्सिनोट्रोपी। सर्सिनोट्रोपी में बॉडी जो है कम्प्लीटली बेंड कर जाता है 360 डिग्री एंगल पे, तो उसको कहते हैं सर्सिनोट्रोपी। सर्सिनोट्रोपस इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे सर्सिनोट्रोपस के, हाँ ऑपोजिया और कैक्टेसी। ओव्यूल्स टेक्स ए टर्न, ओव्यूल टेक्स ए टर्न टर्न 360 डिग्री एंगल, ओव्यूल टेक्स ए टर्न 360 डिग्री एंगल, ओव्यूल टेक्स ए टर्न 360 डिग्री एंगल। और इसका एग्जाम्पल है ओपुंसिया, कैक्टेसी, कैक्टेसी, ओपुंसिया, कैक्टेसी। नेक्स्ट आइए अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर अब बनाएंगे 1x1।
उन सभी का। This is the orthotropous हेमिट्रोपस This is the Anatropus.
ये थोड़ा बड़ा बन गया है, इसकी साइज थोड़ी बहुत बड़ी हो गई है। दिस इज दी सरसिनो ट्रॉपस। ओके ठीक है, उसी सीक्वेंस में इसके नाम रख लेंगे, ओ एच ए एनाट्रोपस, एम्फीट्रोपस और कमाइलोट्रोपस और सरसिनोट्रोपस। ओके तो ये कमाइलोट्रोपस, सरसिनोट्रोपस और एम्फीट्रोपस को हम लोग हॉर्स शू सेप बोलते हैं। इसको एम्फीट्रोपस को तो ये सिक्स टाइप्स के ऑव्यूल्स जो हैं वो बेटा कंप्लीट। इसके बाद में नेक्स्ट अब हम लोगों को करना है मेगा स्पोरोजेनेसिस, जो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये सारे स्ट्रक्चर को बना के इसमें एग्जांपल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान स्ट्रक्चर बस समझने के लिए दे दिया हूँ, और मेन इसके एग्जांपल को आप याद रखें, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक हॉर्स शू शेप का नाम याद रख लो कि इसी को एम्फीट्रोपस को हॉर्स शू शेप भी बोलते हैं, इतने से हमारा काम निकल जाएगा। ओके अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। ओके थैंक यू।